के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। आरआईटी थाना आदित्यपुर निवासी मंगल सोरेन के तातनगर में हुई हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। हत्या के 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। तातनगर ओपी क्षेत्र के इलीगढ़ा निवासी मांगीलाल जोंको की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने के आरोप में घटना को अंजाम दिया गया था। आदित्यपुर क्षेत्र के कुलुपतंगा निवासी मंगल सोरेन का प्रेम प्रसंग मांगीलाल जोंको की पत्नी के साथ चल रहा था। प्रेम प्रसंग में दोनों घर से फरार हो गए थे। इस मामले को लेकर मृतक मंगल सोरेन को चेतावनी भी दी गई थी। मंगल और मांगीलाल की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग आदित्यपुर से ही चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग को देखते हुए मांगीलाल ने पत्नी को गांव इलीगढ़ा भेज दिया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मंगल सोरेन 5 जनवरी को कुलू पतंगा से फुटबॉल मैच खेलने के बहाने घर से निकला था। 6 जनवरी को मंगल की बात मोबाइल पर घर वालों से हुई थी, जिसमें उसने चक्रधरपुर में होने की बात कही। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। 10 जनवरी को तातनगर ओपी को ग्रामीण मुंडा सुशील कुमार कालुंडिया ने सूचना दी कि एक युवक का शव कांदा मांदा पहाड़ के पास होने की सूचना है। पुलिस को जानकारी मिलते ही शव को कब्जे में कर चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया गया। समाचार पत्र और सोशल मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद शव की पहचान हुई। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया। अनुसंधान टीम का नेतृत्व सदर SDPO अमर कुमार पांडे कर रहे थे। शव का शिनाख्त होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर लिया। SDPO ने बताया कि 5 जनवरी को अपने घर से निकलकर मंगल सोरेन 7 जनवरी को इलीगढ़ा मांगीलाल जोंको के घर पहुंच गया। मंगल सोरेन का इलीगढ़ा पहुंचना मांगीलाल के परिवार को रास नहीं आया। मांगीलाल की पत्नी के साथ अवैध संबंध के आरोप में मंगल को घर में बंद कर दिया। इसकी सूचना मांगीलाल को दी गई। सूचना मिलते ही मांगीलाल साड़ू के साथ गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही मामले की जानकारी मिलने पर मांगीलाल ने बोनो सिंह जोंको, गुनल सिंह जोंको, घनश्याम जोंको, मानको जोंको, तुनाम जोंको, अमर सिंह जोंको, डोबरो जोंको और टिंकू हेम्ब्रोम के साथ मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सभी लोगों ने मिलकर मंगल की पिटाई कर दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साक्ष्य को छिपाने के लिए सभी लोगों ने मिलकर उसके शव को कांदा मांदा पहाड़ के पास झाड़ी में फेंक दिया। पिटाई के दौरान मांगीलाल की पत्नी ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सकी। पुलिस ने शव का शिनाख्त कर मामले का उद्भेदन कर घटना के 5 आरोपी मांगीलाल जोंको, बोनो सिंह जोंको, गुनल जोंको, घनश्याम जोंको और मानको जोंको को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के घर से 6 मोबाइल फोन, मृतक युवक का पर्स और पैंट बरामद किया है। समाचार पत्रों में आने के उपरांत शव की पहचान मृतक मंगल सोरेन, जो कि RIT थाना अंतर्गत कुलुपतांगा का रहने वाला है, के रूप में की गई। शव के पहचान होने के उपरांत परिजनों के द्वारा बताया गया कि मृतक का प्रेम प्रसंग मांगीलाल जोंको नामक व्यक्ति, जो कि स्कूल बासा टोला ग्राम इलीगढ़ा का रहने वाला है, कि पत्नी के साथ उसका अवैध प्रेम प्रसंग विगत कुछ वर्षों से चल रहा था, और उन्होंने यह आशंका जताई मृतक के परिजनों ने कि यह जो है हत्या मांगीलाल जोंको एवं उनके परिजनों के द्वारा की गई है। शव की पहचान शिनाख्त होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय चाईबासा के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और हम लोगों के द्वारा छापेमारी की गई कल रात्रि में, और छापेमारी के उपरांत जो है मांगीलाल जोंको, जो कि इस कांड का संदिग्ध था, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसने घटना कारित करने की बात स्वीकार की है। उसके द्वारा बताया गया कि चूंकि मृतक का अवैध संबंध उसकी पत्नी से था, इसलिए आक्रोश में आकर यह हत्या की गई है। इस हत्या में
उसके मांगीलाल जोंको के परिजन जैसे कि बोनो सिंह जोंको, गुनाल जोंको, बुधराम जोंको, घनश्याम जोंको, मानकी जोंको, तुराम जोंको, अमर सिंह जोंको, डोबरो जोंको एवं टिंकू हेम्ब्रम उर्फ कोलाई हेम्ब्रम जो कि उसका साढ़ू है, टोकलो थाना अंतर्गत उसका घर है, उच्चे बीता गांव का रहने वाला है, उसकी भी इस कांड में संलिप्तता थी। और सबके द्वारा मिलकर जो है मांगीलाल जोंको के घर के आंगन में ही मृतक के साथ काफ़ी मारपीट की गई। और जब उसके साथ उसको अपने घर से ही बरामद किया गया, वह अवैध रूप से जो है घर में प्रवेश कर गया था और पत्नी के साथ उसको रंगे हाथ पकड़ा गया था और आक्रोश में आकर यह हत्या की गई। और जब हत्या हो गई तो शव को स्कूल बासा टोला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मांगीलाल जोंको के द्वारा अपनी स्कूटी से उसको ढोकर बांध कर लाया गया और अन्य लोगों की सहायता से उस शव को कन्नामंदा पहाड़ की तलाटी स्थित जंगल में फेंक दिया गया। इसमें हम लोगों को घटनास्थल से कई सामान जो है बरामद हुए हैं। मांगीलाल जोंको के घर से मृतक का पर्स जिसमें कि उसका आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स, कुछ पैसे हैं, वो बरामद हुआ है। मृतक द्वारा पहना गया जो जींस का पैंट था, जिसकी पहचान मृतक के परिजनों ने भी की है कि यह जींस पैंट उसी का है। और ये तो बरामद किया गया जो कि मृतक का सामान है। उसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो होंडा एक्टिवा स्कूटी है, बांस की फराठी और कई मोबाइल सेट भी बरामद किए गए। अभी इस कांड में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो पाई है और 4 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनके विरुद्ध सघन छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने सभी जिलों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से देना चाहती है। इसके लिए प्रखंड और पंचायत मुख्यालय में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को इसकी जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को उनके द्वारा और शनिवार को उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रखंड और पंचायत मुख्यालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सदर प्रखंड के कुर्सी पंचायत की पिंकी तिर्की झारखंड राज्य क्रिकेट खिलाड़ी है। उनके परिवार को आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी जीव और सदर बीडीओ पारुल सिंह की पहल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। पिंकी तिर्की की मां को विधवा पेंशन, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का स्वीकृति पत्र दिया गया। जगन्नाथपुर प्रखंड के जैतगढ़ पंचायत की आदर्श ग्राम दलपोसी में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। यहाँ डिजिटल साक्षरता की जानकारी दी जाएगी और करीब 80 डिजिटल कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। इस मौके पर गांव के मुखिया तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। 11 से 17 जनवरी के बीच चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से सड़क सुरक्षा जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ से पहले पोस्ट ऑफिस चौक पर SDO सह जिला परिवहन पदाधिकारी पारितोष कुमार ठाकुर ने कार्यक्रम में शामिल पदाधिकारियों, पुलिस एवं CRPF के जवानों, सामाजिक एवं व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इसके बाद सड़क सुरक्षा दौड़ शुरू हुई, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावा CRPF के द्वितीय कमांड पदाधिकारी रमन कुमार, SDPO अमर कुमार पांडे, मुफसिल थाना प्रभारी आशुतोष कुमार, चैमासा चेंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, पूर्व अध्यक्ष ललित शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू हुई दौड़
सदर थाना जैन मार्केट चौक पुराना समाहरणालय घंटाघर होते हुए पुनः पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कहा कि यातायात नियमों का पालन करना सभी आदर्श नागरिक का कर्तव्य है। वाहन चलाते समय सभी लोग आवश्यक कागजात अपने साथ जरूर रखें। वाहन चलाने के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट का विशेष ख्याल रखें। सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहकर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। मेरा देश है, हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण का ध्यान रखकर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करूंगा। हमारे वहां से आए हुए हमारे बल, हमारे स्थानीय चैंबर के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, गणमान्य नागरिक, सभी लोग को हम इस आयोजन के सफल होने के उपलक्ष्य में बहुत साथी साथ धन्यवाद देते हैं। चैंबासा चैंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने चैंबासा के लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। कहा कि नियमों का पालन करके खुद भी सुरक्षित रहें और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखें। सड़क सुरक्षा पे जो आप सेफ्टी का आयोजन किया गया है, प्रशासन और सरकार के द्वारा जो ये बार बार हम लोगों को यह एहसास कराया जाता है कि रोड फॉर सेफ्टी, सड़क पर अपनी सुरक्षा हमें करनी है। सच पूछिए तो ये हमारे एक एक लोगों की अपनी कर्तव्य है कि सड़क पर हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। गाड़ियों के चलाने के नियम और हेलमेट, गाड़ी की गति, इसमें जब तक हम लोग खुद कंट्रोल नहीं करेंगे कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ फाइन लगने से और दुर्घटना होने से प्रशासन तो आती है और उसका निदान भी होता है, पर अगर इन चीज़ों से बचना है तो हमें खुद ही आगे आना होगा। और इस तरह के जो सिंबॉलिक काम हो रहे हैं रन फॉर सेफ्टी, इसमें सभी लोगों को शामिल होगा। हम लोगों ने चैंबासा चैंबर ने चैंबासा शहर के लिए प्रयास किया है कि चैंबासा में भी ट्रैफिक पुलिस की बहाली हो, इसके लिए हम लोगों ने एसपी साहब को लिख के दिया है। जी, मेरा आग्रह है कि जो पुलिस के द्वारा या जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा जो चेकिंग लगाई जाती है उसको पब्लिक के लिए दंड के रूप में नहीं देखे, उसको सुधारात्मक उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में देखी जाए, इसका भी आप लोगों के स्तर से प्रचार प्रसार हो। इस प्रकार का प्रयास जो है चैंबर ऑफ कॉमर्स और एसडीओ महोदय ने अपने व्यस्ततम समय से निकाला और एसडीपीओ साहब ने भी पूरे दिन भर व्यस्त रहते हैं, एक जागरूकता अभियान एक प्रकार की शिक्षा है जो निरंतर रूप से चलनी चाहिए। सीएए के समर्थन में 19 जनवरी को चैंबासा शहर में सीए जागरण समिति की ओर से रैली निकाली जाएगी। रैली दिन के 11 बजे सरायकेला मोड़ से शुरू होगी जो गांधी मैदान में समाप्त होगी। माधव सभागार में सीएए जागरण समिति की बैठक संयोजक और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुप कुमार सुल्तानिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीएए के समर्थन में 19 जनवरी को निकाले जाने वाले रैली को लेकर रणनीति तैयार की गई। रैली सरायकेला मोड़ से निकलकर बड़ी बाजार होते हुए रतन पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, जैन मार्केट चौक, कोट रोड, पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी। गांधी मैदान में सीए के समर्थन में आम सभा होगी। आम सभा को जिले के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।